हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम आपका तितली वाला डिज़ाइन लेके आए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है। दो कलर में बनाएंगे बच्चे के स्वेटर के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, अब हम इसको बनाना बताते हैं। इसमें हमने गले वाली सिलाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये देखिए इसमें दोनों गले वाली सिलाई यूज करनी, क्योंकि ये दो रंग से बनता है तो दोनों साइड से बनता है। ये देखिए पांच फंदे हम पहले वाइट कलर के लेंगे। ये पांच पांच फंदों का डिजाइन है। पांच फंदे वाइट कलर के उल्टे बनाएंगे, आगे धागा रख के, और फिर पांच ही फंदे हम स्लिप करेंगे ऐसे, और पांच इस प्रकार से स्लिप करेंगे, और फिर पांच फंदे हम आगे धागा रखे हुए फिर वाइट कलर के बनाएंगे। ये देखिए फिर पांच फंदे फिर स्लिप करेंगे। ये पांच फंदे स्लिप हो गए। अब फिर दोबारा ये पांच फंदे फिर हम वाइट कलर के बनाएंगे। अब उल्टी सिलाई जो है वो हमने इसमें गले वाली सिलाई है, तो इधर से रेड कलर लेना है। एक एक सिलाई बनती जाएगी इसमें, एक बार रेड और एक वाइट। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। अब जो रेड सिलाई है वो पीछे धागा रख के पीछे की साइड बनाई जाएगी, जिसको सीधी सिलाई बोलते हैं। इस प्रकार से हमें पूरी सिलाई ऐसे ही बनानी है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधा बुनना है। ये देखिए वाइट कलर का धागा हमारा इस तरफ है और ये सिलाई हमारी उल्टी पड़ेगी, तो उल्टी साइड से हमें सीधी साइड बनाना पड़ेगा ऐसे। धागा उधर रखना, पूरी सिलाई हमारी ऐसे सीधी साइड से बनेगी। चार पांच, पांच फंदे बनाएंगे फिर पांच फंदे स्लिप करेंगे। धागा उधर ही रखना है और पांच फंदे फिर बना लेंगे। फिर पांच फंदे स्लिप करेंगे, फिर पांच फंदे बनाएंगे। ये देखिए अब हमारा रेड कलर का धागा जो है इस साइड है, तो हमें इस साइड से उल्टी सिलाई निकालनी पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जिधर धागा होगा उसी साइड से पकड़ना पड़ेगा। एक सिलाई उससे करनी है, एक सिलाई उससे। अब पूरी सिलाई रेड कलर की बनेगी। ये देखो अब अगली सिलाई वाइट कलर की। अब धागा इधर है तो इस साइड से बन जाएगी। ये पांच फंदे उल्टे, पांच फंदे हम स्लिप करेंगे।
धागा ढीला रखना है इसके ऊपर ऐसे। फिर पांच फंदे फिर स्लिप करेंगे, ये देखिए। अब फिर अगली सिलाई रेड कलर से, रेड कलर इधर है तो हम इधर से बनाएंगे। व्हाइट कलर का धागा, व्हाइट कलर की दो सिलाई उल्टी साइड से निकलेंगी, दो सीधी साइड से, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो पांच फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे और पांच ही फंदे हम स्लिप करेंगे, उल्टी साइड से बंधा देंगे। अब इसमें चार सिलाइयाँ हो चुकी हैं, अब हम रेड कलर बनाएंगे। ये देखो पहले हम एक सिलाई रेड कलर की बना लेते हैं। इसमें यही डिजाइन है, बस चार सिलाई वाइट और चार रेड। अब बीच में आप जितना गैप देना चाहिए उतना दे सकते हैं, चार सिलाई का, छह सिलाई का। ये देखिए अब हम इस व्हाइट कलर को यहाँ छोड़ देंगे, रेड कलर से ही बनाएंगे सीधी सिलाई। पूरी लाइन सीधी बनाना, पांच फंदे उतार लिए। फिर जब पांच फंदे जो ये हम स्लिप करते थे इसमें से दो फंदे हम बुन लेंगे और यहाँ से अब इस धागे के सहारे हम यहाँ से नीचे से इन चार धागों के नीचे से एक फंदा बनाएंगे ऐसे इस प्रकार से और फिर उसको इस पर डाल देंगे। ये देखिए फिर इस एक फंदा ये हो जाएगा, एक फंदा ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐसे बना देंगे यानी कि इनको बांध देंगे। एक बार फिर बताते हैं, ये दो फंदे हमने बुन दिए, ये धागा लिया और इसके ये चार धागे हैं जो इसके नीचे से सिलाई डालेंगे ऐसे, फिर इस पर ऊन चढ़ाएंगे और ऐसे नीचे से बुन कर ले आएंगे। जो ये फंदा बन कर आया इसको इसके ऊपर डाल देंगे सिलाई पे। इस फंदे को और जो एक सिलाई में है बीच वाला फंदा उस दोनों को ज्वाइंट कर देंगे। ये देखो इस प्रकार से बंध जाएंगे और आपकी डिब्बी पूरी हो जाएगी। अब आप जितना गैप देना चाहें इसमें दे सकते हैं,
चार सिलाई का, छः सिलाई का, जितना भी गैप देना चाहे दे सकते हैं। ये देखिए,